हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय निवास। देखिए, आज मैं यात्रा पे निकल रही हूँ और जुम्मे का रात है, मुहर्रम है। बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि जहाँ मैं विंध्याचल जा रही हूँ ना, उसके बाजू में एक बहुत बड़ी दरगाह भी है जहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ चादर चढ़ाने, जहाँ से पिछले साल मैंने हरबस जिन का वो सब का मैंने डाला था आपको जल्लाद का। तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं, तो एक बहुत है जिसको जो भी शक्ति चाहिए, जैसे सुल्तान जी ने सब बहुत जल्दी एक्टिवेट करके मिल रहा है, या कोई भी अलग से जो भी शक्ति चाहिए वो एक्टिवेट करवा के ले सकते हैं और हर काम होगा। और दूसरी बात, ये एक दो जन जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना, मैं एक ही बात बोलूँगी, काम मैंने जिसका लिया मुझे बरोबर याद है, ये झूठे कमेंट डालो मत। और अगर सच में जिसने काम दिया मुझसे व्हाट्सअप पर बात करो। मैंने आपसे काम नहीं मांगा था, आपने मुझे काम दिया था और मैं भगोड़ी नहीं हूँ कि भागूंगी। मेरा व्हाट्सअप चालू है, मेरा नंबर चालू है, मेरा यूट्यूब चालू है, इसका मतलब मैं हूँ और आप लोगों का काम होगा। किसी का लेट किसी का फास्ट हो रहा है, लेकिन हो रहा है, तो उसके लिए ये सब हरकतें मत करें, समझे। और एक और बात, जन्माष्टमी आ रहा है अभी यहाँ से, जैसे आज जुम्मे रात है और कल जुम्मा है, जो लोग खुद से भी सिद्धियाँ करना चाहते हैं, परी की सिद्धि, कितने लोग बोलते हैं माँ परी की सिद्धि कैसे करें, करिश्मा परी की सिद्धि कैसे करें। मैंने पहले भी बताया है कि नादेली पढ़ सके, जिसको नादेली नहीं हो रहा है, नादेली सबसे अच्छा वीर है परियों के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर परी को तुरंत हाजिर करना है तो आप एक ही काम कीजिए, सुरमुल को 100 मरतबा डेली पढ़िए। सुरमुल को डेली किस दिन तक 100 मरतबा पढ़िए, कोई भी शक्ति आपके पास, कोई भी परी आराम से आ जाएगी। और दूसरी बात, बहुत सारे जन बोलते हैं मारण क्रिया मोहन वशीकरण, ये सिर्फ सुल्तान जी मोहम्मद जल्लाद जी नहीं करता है। आपको जो भी काम करवाना है, मुझे जो बहुत जन बोलते हैं कि कैसे करना है, ये काम करवाने के बाद ही आपको फटाक से रिजल्ट देगा, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। और दूसरी बात, मैं जो यात्रा पे जा रही हूँ इसी काम के लिए जा रही हूँ। जो लोग सोच रहे हैं ना मैं अपने ग्रुप के काम के लिए जा रही हूँ, तो एक ही बात बोलूँगी, विनाश काले विपत्ति बुद्धि वाला हाल मत करो। अच्छे काम के लिए जा रहे हो, अच्छे से आऊँगी और तुम लोग सबका काम भी बहुत अच्छा होगा, इसके लिए चिंता मत करो। और दूसरा, मैं जो कर सकती हूँ ना, हम लोग जब यात्रा पे निकलते ना तो शक्ति और जल्दी एक्टिव होती है। मेरे को जो मुझ पर भरोसा करते हैं, ये जो कहते हैं ना मारण मोहन वशीकरण, ये शक्ति पीठ पे हम जाके जब अगर एक बार जप कर लिए ना, तो अच्छे अच्छों की बैंड बच जाती है, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई गलती मत करो जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। जो भी है, अभी जैसे राघवेंद्र भाई ये सब जुड़े हैं, तो आप सबका सुल्तान जी एक्टिव हो चुका है और आप सबके गिफ्ट के लिए ही मैं जा रही हूँ और वो सब चीज़ें ही आने वाली हैं। तो दिमाग अपना जरा भी इधर उधर मत फिरे। और दूसरी बात, किसी को लगता होगा मेरी बात बुरी, लेकिन मैं किसी को समझाना नहीं चाहूँगी, बस ये बोल रही हूँ कि बाबागिरी करके माँ की बातों में आके मत फंसो। तुम्हारी माँ ने अगर तुमको कल फ़ोन करके ये कहा है कि डर मत, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, बाबा जी हैं साथ में, तो बाबा जी तुम्हारी इज्जत ले लेंगे, समझ लो। मैं बता रही हूँ, ये भिवंडी ये सब जगह पे ना मुसलमान बाबा लोग बहुत हैं, ये लोग किसी, मेरे पास 4-5 केसेस आए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी औरतों के साथ गलत कर दिया गया है, पति के वशीकरण के बहाने और क्या बोलते हैं, बच्चा नहीं होने के बहाने, बच्चा नहीं होता तो उनके साथ रेप करते वो लोग। तुमको अगर अपना रेप करवाने का शौक है तो प्लीज़ अपने जाके रेप करवाओ। रेणुका, और ये बात मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो हरकतें कर रही हूँ ना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं लाइव बोल रही हूँ वीडियो पे, ये सब शोभा नहीं देता है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में बहुत जनों को प्रॉब्लम आ गई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो, मेरे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब केशव के पापा को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो 10 दिन के लिए शादी में जा सकते हैं, हाँ वो ज़रूरी है, तुमको लेके जा सकते हैं 4-5 दिन, लेकिन वो मेरे लिए, मेरे केशों के लिए मेरे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि उनको 10 दिन बहुत भारी लगता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तुम भाग जाओगे किसी के साथ, शायद यही लगता होगा ना, इससे तो तुमको छोड़ के जाना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मैं वादा करती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आज जाने के बाद कल से मेरे आने तक मेरा प्रॉमिस है कि मैं ना केशों के पापा को फ़ोन करूँगी, ना मैं उनका फ़ोन रिसीव करूँगी, ना मैं उनसे कोई बात करूँगी, ना मैं उनसे कोई लेन देन रखूँगी। उनको जो भी मैं उनकी ज़रूरतें पूरी करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अब वो सारी ज़रूरतें पूरी करोगी तुम, उनके दारू के खर्चा, उनके सामान का खर्चा, उनके खाने का खर्चा सब तुम पूरी करोगे। और 10 दिन मैं तुम्हें दे रही हूँ, रहो खुद खुशी खुशी रहो, अच्छे से रहो। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं प्यार, सच्चा प्यार वश में कर सकता है या तुम्हारी बाबागिरी वश में कर सकती है। तुमको ये 10 दिन मिल रहे हैं, तुम अब केशव के पापा को अपना बना लो। शायद मेरे आने तक हो सकता है केशव के पापा मेरे नहीं रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन में मैंने खोते खोते इतनी तो मजबूत हो चुकी हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शायद ये बात मुझे भी पता चल जाएगी, ये बात केशव के पापा को भी पता चल जाएगी, कौन किसके लिए कितना वैल्यू रखता है। तो प्रॉमिस है, लेकिन हाँ,
इन 10 दिनों के अंदर अगर केशव के पापा के साथ कुछ भी अनहोनी होती तो भी मैं कॉल नहीं उठाऊंगी। अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी कहीं पे किसी ने किसी दुश्मन ने उनके साथ कुछ भी अनहोनी किया मैं वो भी फ़ोन नहीं उठाऊंगी। लेकिन अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है या कुछ भी होती है उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी तुम्हारी माँ की और तुम्हारे भाई की होगी। उसके बाद मैं आने के बाद और मैं तुम लोगों का क्या हर्ष करूँगी। तो कहते ना ऊपर वाला छोड़ो कौन तुमको बचाएगा वो तो ऊपर वाला जानता है, वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ। क्योंकि देखो आज तक तो मैं कभी किसी के घर तक या कहीं तक गई नहीं, लेकिन ये ज़रूर होगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ या जो भी तो ये समझ जाना कि उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी का इस दुनिया में आखिरी दिन रहेगा। ये खुला चैलेंज कर रही हूँ। तुम्हारी माँ के अंदर गांड में बहुत चर्बी है, तुम्हारी माँ की चर्बी हम निकाल रहे हैं। मेरी स्नेह लता स्वाति सब लग चुकी हैं तुम्हारी माँ के पीछे, कल रात से पड़ चुकी हैं जब से उन्होंने आईनी हमले देखा है। तो फिर से बाबा जी के पास गई थी, फिर यार आके तुमको ये सिखा रही है फ़ोन पे कि कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या कर पाऊँगी मैं दिखाऊँगी। और मैं जा रही हूँ गाँव, तो गाँव में जब मैं जिस जगह जा रही हूँ ना उसको तुमको ताकत नहीं मालूम है। मेरा केशव उन्हीं की देन है तो वो देंगी। और मुझे यही बात है कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे जिससे मतलब है वो जब वही समझने को तैयार नहीं तो दूसरे को समझने के मतलब नहीं। इसलिए मैं 10 दिन तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रही हूँ केशव के पापा को। तुम जितना प्यार जता सकती हो जताओ, जो कर सकती हो करो, जो खिलाना है खिलाओ, चाहे वहाँ के बाल को पूरे शरीर करके मिला के खिलाओ, जो करना करो, तुमको जो ठीक लगे करो। मैं आने के बाद देखूँगी बस। और हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और बात, यात्रा पे जा रही हूँ, कोई अर्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको तो ऊपर वाला ही देखेगा। तो हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय माँ बगलाम की, जय मां निवासी।